हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एल्गोरो मैथ एकेडमी। मैं डॉक्टर आस्तूर स्वामी और आज अपन वर्क कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर, जिसका अपन शॉर्टली कह देते हैं डीएमएस। डीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीएमएस में फर्स्ट जो चैप्टर लिया है अपने सेट के नाम से। तो सेट क्या होता है? सेट इज ए वैलिड डिफाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वैलिड डिफाइन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का क्या होंगे उसके एलिमेंट कहलाते हैं, और इस सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, पी क्यू आर कैपिटल से, या अपने जो वेल डिफाइंड जो एग्जाम्पल अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन क्या होता है? 1, 2, 3 से लेकर, अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर के अंदर इनफाइनाइट होते हैं, तो इसको इनफाइनाइट सेट भी कह देते हैं। सेमिट्री सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर रहते हैं, इंक्लूडिंग द जीरो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 स्टेप से। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये भी ऑल्सो बी से दैट इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म से होता है। तो क्यू जहां पर क्या रहता है? नॉन जीरो रहता है, पी क्यू बिलोंग टू द जेड, इंटीजर नंबर के सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान रखना जो नेचुरल नंबर का सेट है जो ऑल्सो बी से दैट रेशनल नंबर, क्लियर है, जहां क्यू वन हो जाता है। तो इस स्टेप के जो वैल्यूज है ये हो गया अपने पास नेशनल नंबर। एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये बड़ा ही पॉपुलर सा नाम है आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर में क्या होते हैं? ये सारे रियल नंबर है, इंटीजर नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्लियर है, ये सारे क्या रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब जो नंबर लाइन होती है, यानी एक्सिस जो होती है अपने पास, ये एक्सिस होता है यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट और इधर ये माइनस इनफाइनाइट, जो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। आयोटा वाले टर्म्स को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं रेशनल प्लस का इरेशनल, √2, √3, √5 में सब क्या रियल नंबर के अंदर आते हैं। एक होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ लिखा नहीं है, तो आप उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, यानी ए प्लस आयोटा बी जो टाइप का होता है, जहां पर आयोटा इंक्लूड हो जाता है, उसको अपन कह देते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस सेट की डेफिनेशन दी। अब उसके कुछ टाइप्स हैं, इक्वल सेट क्या होगा? टू सेट इक्वल कब होंगे? तो दोनों के एलिमेंट क्या हो? इक्विवेलेंट हो, तो उसको अपन कह देते हैं इक्वल सेट। तो यहाँ देखो, आपको सेट ए दे दिया जिसके नाम सेट के एलिमेंट है राम, श्याम और जीत, और सेट बी दे दिया अभिजीत, श्याम, राम है। तो देखो यहाँ पर भी थ्री एलिमेंट है, यहाँ पर भी थ्री है, तीनों ही सेम है, ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। तो ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। सेम ऐसे ये एस और टी है, एस के अंदर 1, 2, 3 है, और टी के अंदर स्टेप के एलिमेंट 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3 स्टेप से। तो ये भी क्या है? एस और टी दोनों के अपने पास इक्विवेलेंट सेट होंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आप स्टडी कैसे करते हैं 2, फिर 1, फिर 1 स्टेप से। तो यहाँ भी क्या 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3 डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं। ये टी सेट है 1, 2, 3, 2, 0, 1, 2, 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है वो क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, टी नॉट इक्वल टू क्यू, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। जीरो बिलोंग टू द क्यू बट जीरो नॉट बिलोंग टू द पी, तो ये पी और क्यू इक्विवेलेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट होता है, आपको वेल नोन भी है। अब होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या है? कोई भी एग्जाम्पल ले लें अपन, जैसे किसी स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं या किसी कॉलेज का, जैसे किसी स्कूल का लेते हैं अपन, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, तो वहां पर जो स्कूल को अपन कहें सेट, और उसके जो नंबर ऑफ क्लासेस है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, 10th, 9th, 12th, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट हो जाएंगे। तो सबसेट को समझे होंगे आप, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एस, यानी टी का जो एवरी एलिमेंट है वो किस में हो? एस के अंदर हो, तो अपन कहेंगे टी इज ए सबसेट ऑफ एस, ठीक है, यानी टी के सारे एलिमेंट किस में हो? एस के अंदर हो, तो टी को कहेंगे अपन सबसेट ऑफ एस, ये इसका नोटेशन है, टी सबसेट ऑफ एस, या एस को अपन कह देते हैं एस इज ए सुपर सेट ऑफ टी। तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपन यहाँ पर, जैसे सपोज करो मेरे पास टी इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है 1 and 2 और एस इज इक्वल टू क्या है 1 and 2, 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी इज ए सबसेट ऑफ एस या एस इज ए सुपर सेट ऑफ टी, तो ये सबसेट की बात होगी। अब होता है कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, जैसे एस है वो अपने आप का भी सबसेट होगा, फाई है जो एवरी सेट का, कोई भी सेट हो उसका फाई इज ए सबसेट होता है, तो फाई इज ए सबसेट ऑफ एस। एक प्रॉपर्टी है यानी टी इज ए सबसेट ऑफ के है, के इज ए सबसेट ऑफ एस है, तो टी है वो एस का भी सबसेट होगा। तो ये तो वेल डिफाइंड है अपने पास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहां पर देखो एग्जांपल ले रखा है s = 0 1 2 है, t = 0 1 है, t इज ए सबसेट ऑफ s या s इज ए सुपरसेट ऑफ t। तो
अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, जैसे एस ली ले लिया हमने 0, 1, 2, 3, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, तो एक तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, एम्प्टी सेट 5 से रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, ये भी एक सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 एलिमेंट है 0, क्लियर है, फिर 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अपने पास 8 सबसेट होते हैं। अब ध्यान में ये रखना है, अगर कोई सेट हो अपने पास जिसके अंदर n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n। जैसे यहाँ पर अपने पास 3 एलिमेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेट सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8, तो ये अपने पास 8 इस टाइप से आया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया गया है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट ये होता है कि अपन को ये तो वैल्यू डिफाइंड है कि कोई भी सेट अपने आपका सबसेट होता है तो उसका इम्प्रॉपर कहते हैं इसको। यहाँ पर प्रॉपर का मतलब टी और एस दोनों क्या इक्विवेलेंट ना हो, यानी टी के जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एस के अंदर 3 एलिमेंट है, तो टी क्या है इसका प्रॉपर सबसेट है, टी इज ए प्रॉपर सबसेट, और 5 भी ऑलवेज क्या होता है प्रॉपर सबसेट होता है एवरी सेट का, तो ये कुछ लिखा है यहाँ पर, तो एवरी सेट। अब होता है नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, तो नल सेट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको अपन कह देते हैं नल सेट, तो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द नल सेट। जैसे यहाँ पर लिया ए, जैसे इसको डिपेंडेंट कैसे करते हैं 5 से या इस टाइप से। अब ध्यान रखना ये भी अपने पास ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये ध्यान रखना ये नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, तो 0 इज ऑल्सो एलिमेंट, लेकिन 5 सेट होगा तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर 5 से रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल लेना चाहिए जिसका ए इज इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, एक्स कैसा है रियल नंबर में, तो ये सेट कैसा होगा 5। रीजन क्या है, क्योंकि अपन को वैल्यू होना है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या देगा ±√-5 या ±√5 आइट आ जाएगा, यानी कैसा आ गया अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी आ गया, तो रियल नंबर तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ दैट मीन x ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जहां पर x square plus 5 is equal to 0, तो इसको अपन कह देते हैं 5, तो ये 5 सेट का एग्जांपल लिया अपने। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो फाइनाइट हो, जैसे अभी बात कर रहे थे नेचुरल नंबर में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो नंबर ऑफ सेट ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट क्या हो फाइनाइट हो, जैसे ए कोई सेट ले इसमें ए आई ओ यू है, तो यहां पर कितने है अपने पास 5 एलिमेंट है, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट आ गया। और एक पॉइंट ध्यान रखिए, आप मैंने यहाँ लिखा नहीं है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होती है, इसकी बात करूं मैं तो लिख देता हूं यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए ये क्या होता है, इसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप से, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है यहाँ पर 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है सेट की 5। इसी टाइप से बी को एग्जाम्पल लिया है एक्स, एक्स बिलोंग टू द नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी सेट कैसा है अपने पास फाइनाइट नंबर का सेट है, यानी ये किस टाइप का आएगा फिर अपने पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, क्लियर, तो ये इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी अपने पास नेचुरल नंबर, तो ये होंगी। और इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो इनफाइनाइट हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सारे किसमें आते हैं इनफाइनाइट सेट में आते हैं। इसलिए वो एग्जांपल ये है ए एक्स, एक्स नॉट द नेचुरल नंबर एंड एक्स कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी फिर ए कैसा आएगा इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट का सिंबल लगा रखा है 6, 7, 8 और ये अपने पास ज्यादा रहेगा, तो ये कैसा है सेट है अपने पास इनफाइनाइट नंबर का सेट है। इसी टाइप से ये सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसको अपन कहेंगे सिंगलटन सेट, ये भी एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर कोई 5 कोई एलिमेंट है, ये सेट का सिंबल है बी जिसमें 0 है, तो ये सिंगलटन सेट है। एस को ले लिया हमने सेट एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू क्या है 4 और 6 के मिडल में है, तो कौन सा सेट होगा इसमें ये 5 आएगा, यानी ये भी क्या मेरे पास सिंगलटन सेट है। यूनिवर्सल सेट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिवर्सल सेट कैसे करते हैं, जैसे अपन 11th में जैसे 11th की बात करते हैं तो सेट था वहां पर, तो एक रिप्रेजेंट करते थे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैसा था फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं जो भी सेट होते हैं उसके सबसेट होते हैं, तो उसको अपन यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इफ ऑल द सेट्स अंडर द कंसीडरेशन आर सबसेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस यू से, या यू इज इक्वल टू, जैसे ये कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले दिया मैंने, यू इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है, ए 5 तक है, बी 5 से लेकर 11 तक है, तो इस ए और बी के लिए ये यू कैसा होगा यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये ध्यान रखना आप ये यूनिवर्सल सेट रहेगा इस टाइप का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जैसे यू को यूनिवर्सल सेट है और एस को इसका सबसेट है,
देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस क्या होगा, एस का डैश या एस सी से लिख देते हैं उसकी पावर के साथ, एस पावर सी लिखा, पावर सी नेम क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है, तो एस या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस यू माइनस एस इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू द यू बट एक्स नॉट बिलोंग टू द एस, तो ये मेरे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है। अगर कोई अपन इसका एग्जाम्पल भी तो स्टेप से ले सकते हैं, जैसे बात करें अपन यहीं से बात कर लेते हैं ए वाला ना, जैसे मेरे पास ये तो यू सेट आ गया, यू को ऑलवेज स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं यू, जहां पर क्या अपने पास 1 2 3 4 5 20 तक है, और इसके अंदर कोई ए कोई सेट आ गया, ये ए कोई सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, टोटल कितने इसके अंदर 20 है अपने पास, 6 7 8 9 से लेकर लेकर यहां तक 20 तक है, ये वाला सेट ले लिया हमने यू और ये ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से ए सी से, होगा क्या ये यू माइनस का ए आ जाएगा, यानी अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 6 7 8 से लेकर 20 तक होंगे, क्लियर हुआ समझ आया आपके, यानी जो ए के एलिमेंट होंगे, ये तो कह रहा है ये x बिलोंग टू द u, u के तो एलिमेंट है 6 किससे बिलोंग कर रहा है u से, u के अंदर है 7 किसमें है u के अंदर है, लेकिन 6 7 8 से 20 ये किसमें नहीं है a के अंदर नहीं है, तो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये a हुआ। अब सपोज करो मैं इसको और डायग्राम से थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, तो ये देखिए आप बात करते हैं यहां पर, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया और ये कुछ सेट ए ले लिया मैंने, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या रहेगा, ये तो रिमेनिंग पार्ट है ये ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये ए है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये वाला सारा पार्ट क्या रहेगा, ये सारा क्या ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए सी से जुड़ा ए सी या ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है अपने कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन की, तो प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं सबसे पहले क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, बता दे दूंगा आपको, तो क्या है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन, तो देखते हैं अपन देखो क्या रहता है इसके अंदर, फर्स्ट लिखा हूं यहां पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री से डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आज यू होता है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री तो ये अपने डिफाइन किया हुआ है कि यू माइनस का ए रहेगा, जिसको अपन मैं लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द यू बट एक्स नॉट बिलोंग टू द ए, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। सेकंड की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होगी अपने पास, फाई का मतलब क्या हो गया, नथिंग कुछ भी नहीं हो, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सब कुछ हो, यानी यूनिवर्सल सेट, समझ में आया आपके, फाई का मतलब कुछ भी नहीं खाली, और फाई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट्री यू सब कुछ, यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, इसके अच्छे डिफाइन करेंगे बस। थर्ड की बात करें पर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया, सारा कुछ सेट सब कुछ इसके अंदर हो, और उसका डैश कर दूंगा तो फिर क्या जाएगा मेरे पास, फाई आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी, फोर्थ की बात करते हैं अपन, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि ए यूनियन ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री, ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल सेट को मैंने स्टेप से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऑपरेशन है यूनिवर्स यूनियन यूनियन ऑपरेशन है, ये और से जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये तो भी अपन डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, ये ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन की बात करते हैं उसको कैसे लिखते हैं अपन, और से लिखते हैं अपन ना, और यूनिवर्सल यूनिवर्सल ना, और से मतलब होता है ए और ए डैश, तो क्या हो जाएगा, यानी ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसी टाइप से फिफ्थ की बात करें अपन, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है इसको अपन एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन कह सकते हैं अपन सिंगल डेफिनेशन में, कॉमन दोनों में जो कॉमन हो तो वो बात कर सकते हैं अपन, तो ए और इंटरसेक्शन ए डैश दोनों में कॉमन क्या है, कोई भी नहीं है कॉमन, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 5 रहेगा, तो ये ध्यान रखना आप। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हैं 6 के अंदर की बात करूं मैं, ए यूनियन ए डैश सॉरी बी मॉर्गन लॉ होता है अपने पास, बी मॉर्गन लॉ क्या रहता है इसके अंदर, 6 की बात करते हैं अपन,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपने स्टडी भी किया हुआ है। ए डैश सिंबल चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन है यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बी डैश सेम इसी टाइप से सेम फॉर्म की बात करें पर ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट में यूनियन बी डैश या सी, तो इसका क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको प्रूव भी कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट लेकर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर इसकी कॉम्प्लीमेंट की, ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट लेते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ना, पावर सेट इज ए सेट ऑफ ए सबसेट, तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू टी, दैट टी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या होता है, सब कलेक्शन ऑफ ए सेट, सेट ऑफ ए सबसेट होता है ये, फाइव एंड ए आर ऑल बोथ आर द मेंबर ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। इसको एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सपोज करो मैं यहां पर कोई एग्जांपल लेता हूं, ए इज इक्वल टू यहां पर ले लेता हूं मैं ए बी और ये सी, थ्री वैल्यूज है, तो उसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए अपने जानते हैं टू की पावर एन यानी टू की पावर थ्री यानी एट होंगे। अब सबसेट होंगे क्या, तो सबसेट क्या हो जाएंगे इसके, एक तो फाइव हो जाएगा इधर अपना फाइव, और ए क्या आ जाएगा यहां पर ए बी सी ए और बी बी और सी सी और ए, और यहां से अपने पास आ जाएगा ए ए बी और सी, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये इसके क्या हो जाएंगे सबसेट होंगे किसके ए के। अब पावर सेट क्या होगा इसका, सबसेट क्या होंगे ए होंगे। अब इसका पावर सेट हो गया, ये तो अपने निकल लिया है ना, ये तो क्या आ गया मेरे पास, ये तो सबसेट आ गया। अब पावर सेट क्या होगा, तो मैं लिखता हूं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा पी ए लगा दो उसको मैं पी ए, और क्या होगा ये जो सेट सबसेट है इनका भी सेट, यानी जो सेट था इनका भी अपने सेट बना दिया, सबसेट का जो सेट होगा वो क्या होगा पावर सेट ऑफ ए होगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कितना पावर सेट ऑफ ए, तो ये तो था अपने पास कुछ सेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और भी इसके हैं डिफरेंट टाइप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, तो डिसजॉइंट सेट क्या होगा जिसके अंदर देयर इज नो एनी कॉमन, क्लियर है। तो डिसजॉइंट सेट को भी डिफाइन कर लेते हैं अपन, डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, डायग्राम बना लेते हैं इसका अपन। जैसे सपोज करो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए कोई सेट है और यहां पर कोई बी कोई अनदर सेट है, तो ये ए और बी में दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसके ऊपर ए और बी क्या होंगे डिसजॉइंट होंगे, यानी ए एंड बी सेट आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इफ इफ क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो मेरे पास फाइव, तब मैं क्या कहूंगा ए और बी क्या है डिसजॉइंट सेट होंगे, क्लियर है। इसी टाइप से डिसजॉइंट होंगे तो जॉइंट सेट भी होते हैं, जॉइंट सेट क्या होंगे, जॉइंट सेट में क्या होगा, जॉइंट सेट में क्या रहेगा, जैसे इसी टाइप से मैंने लिया यहां पर एग्जांपल, ये यूनिवर्सल सेट आ गया मेरे पास, ये ए कोई सेट हो गया और यहां से ये कोई बी सेट हो गया, तो ये देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इसको पर क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन की बात करते हैं, तो ये कैसे है? ये जॉइंट सेट है, क्योंकि ये डिसजॉइंट अलग हो गया, जॉइंट में क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, यानी इसकी वैल्यू फाइव नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, तो मैं क्या कहता हूँ ये जॉइंट सेट है। जैसे एग्जाम्पल भी लेने का सीधा, सपोज करो मेरे पास ए इज इक्वल टू वन टू थ्री है एंड बी इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव आ रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी क्या वैल्यू आ गई थ्री, यानी नॉन फाइव आ गया, तो ये क्या होंगे अपने पास ये जॉइंट सेट होगी, और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू होगी तो ये स्टेप से रहेगी। इसका कोई एग्जांपल ले अपन, मतलब लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी है और कोई बी इज इक्वल टू अपन में ले लो डी ई और एफ, तो इन दोनों से क्या कनेक्शन निकला अपने पास कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या फाइव, कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये हो गया मेरे पास डिसजॉइंट सेट, और ये होता है मेरे पास जॉइंट सेट।
क्लियर है। तो आई होप काफी थोड़ा लेंथी हो गया वीडियो, लेकिन ये टाइप ऑफ सेट और हल्का सा बेसिक किया अपने। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन ये इंटरसेक्शन और यूनियन को भी डिफाइन करेंगे अपन, है ना। ये ऑपरेशन है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, इसको अपन डिफाइन करेंगे और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।